हमारे देश में कानून और व्यवस्था का जितना बड़ा जाल है उससे कम बड़ा संजाल ठगों, 420ों और जालसाजों का नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का एक जालसाज तो देवरिया के एसपी को ही जालसाजी के भंवर में फंसाने चला था। वह कह रहा था महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ और मंत्री से सेटिंग करा देगा, उसकी इतनी चलती है। और औकात क्या है उसकी, तो वह एक डिग्री एक इंटर कॉलेज में क्लर्क है। ऐसा भौकाल यूपी में बहुत आम है। आपकी रिश्तेदारियों, नातेदारियों, घर द्वार, गांव, आसपास, मोहल्ले, जवार में ऐसे 420 भरे पड़े होते हैं जो विदेश भेजने से लेकर और स्वदेश में भारी भरकम नौकरियां दिलाते हैं। एक ऐसा ही जालसाज है, सेटर है जिसको कहते हैं, भौकाली है, वह धरा गया है। यूपी पुलिस के देवरिया जिले में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। गलती इससे ये हुई कि यह एसपी की ही सेटिंग कराने लगा था, और हो सकता है यह सेटिंग होती न होती मालूम नहीं, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि जितना इस देश के चपरासी की औकात है उतनी बड़ी बड़े अधिकारियों की नहीं है, और कई दफ्तरों में ये देखा भी जाता है। ऐसे में इसका भौकाल, जिसका नाम अखिलानंद राय है और वह कुशीनगर जिले के एक इंटर कॉलेज में मामूली सा क्लर्क है, उसकी इतनी ताकत है कि वह योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री और जिले के एसपी की सेटिंग करा देता है। और ऐसे झांसों में आम लोग बहुत आते हैं, इसलिए यह उदाहरण जरूरी है कि आप सब जो लोग यह वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं वह समझें कि हमारे देश में मेहनत, परिश्रम, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं आपके पास। इन भौकालियों से बचिए, और संयोग अच्छा है कि पता नहीं अब तक इसने कितने लोगों को ठगा होगा, कितने की जिंदगियां बर्बाद की होंगी, कितने की मेहनत की कमाई लूटा होगा। अच्छा ये हुआ कि ये एसपी के हाथों चढ़ गया। अब सुनिए खुद कि ये कैसे जालसाजी में एसपी तक को फंसाने की कोशिश में लगा पड़ा है, और आप इससे सावधान होइए। रतिया, जब आप फरमा किए ना, तब इसके बाद उसका पहले पैसा वापस किया पहले सुनिए तो सर, पहले पैसा वापस किया, उसके बाद फिर छोड़ा उसको। महाराज जी आते तो बताता हूँ कि कप्तान साहब बढ़िया चला रहा है एकदम, जानते हैं आपसे कुछ बताऊंगा बात, आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही है। अच्छा। लेकिन महाराज जी सुने नहीं है इस बार। अच्छा, मंत्री से कुछ तालमेल ठीक नहीं है क्या? अब ऐसे है, बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब भाई उनको भैयार चाहिए, भैयार तो बन पाइएगा नहीं आप। हाँ, वो बहुत ज्यादा कोई नाजायज बात कहें तो वो तो नहीं कर पाता हूँ मैं, क्या जी, जी, जी। जो ठीक बात है वो मैं सबकी सुन लेता हूँ कोई कहे। एक चीज और बता दूं, ये जो आपका छोटा भाई है ये भी कम नहीं है, अब मुलाकात होगी कभी अकेले में मुख्यमंत्री से बैठ के बात करा दूंगा आपकी। अच्छा, अरे यार बड़ा बड़ा अच्छा रहेगा भाई साहब, जब वक्त दीजिएगा तो बात करा दूंगा, जब आपके पास टाइम होगा तो। और नहीं नहीं बिल्कुल, अरे टाइम ही टाइम रहेगा इसके लिए, तो नहीं टाइम रहेगा। जब आपके पास होगा, महाराज जी आते हैं तो बताता हूँ, जब टाइम महाराज जी दो दिन रुकेंगे, जिसे तत्काल आते हैं दूसरे दिन चले जाते हैं उस दिन, यदि दो दिन जब रुकेंगे चले जाते हैं तो फिर वो, हाँ वैसे भी मौका निकलवा के उसी में। अभी फिलहाल इसी लिस्ट में जो लिस्ट आई इसमें चाह रहे थे लोग आपका नाम डलवाना। अच्छा। लेकिन हम समझ से पिछड़े खड़े थे, तो महाराज जी हैं थोड़ा सा कनवा के कच्चा। हेलो हेलो, हाँ कह रहे महाराज जी बतिया थोड़ी हमारी सुनते हैं। साहिब जी महाराज जी का बड़ा विरोध किए थे अंदर से, जान लीजिए तो ये मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं उनको नहीं देता ज्यादा। तो ये बतिया आप लोग के दिमाग में आप बताए, तो फिर हम उस आधार पे हमने कहा कि ठीक है, अगर आपका वहां से विरोध है तो फिर आप हमारे कौन से सत्य अंतर को। तो सुनिए, तो नंबर मेरा फिट कर लीजिए। और दूसरी चीज है सर कि आप जब तक चाहिए रहिए, ठीक है, इससे अच्छी भी जगह जाना होगा तो बताइएगा। सहयोग तो